कितना दिन से कार्य करते हैं? हम यहाँ पे 25 साल ले करते हैं। 25 साल से जी। ये पुतला बना के मैं हाँ पुतला हाँ पटाखा हम सेट करते हैं। अब ये बताइए कहाँ कहाँ करावा का ऑर्डर मिलने वाला है? रांची के। कब तक दहन हुई सर? जैसा आयोजक लोगों के कहना बा हम लगा था कि 6 बजे तक दहन हो जाए, 5:30 से 6 के बीच में। निरीक्षण में बनल बटे कम से कम 40,000 रुपये। 40,000 दोनों? हाँ जी। अच्छा मटेरियल लागल बटे इसमें कम से कम पटाखा हमारा छोड़ के बाँस से हमें लागल कम से कम सारी व्यवस्था है। सारे लिबास में फोर्स लगाया गया, मजिस्ट्रेट सब लोग तैनात हैं। सर लगातार हम देख रहे हैं कि आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को सजेशन दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? गोल लगातनी भोजपुरिया समाचार में आप सभी के स्वागत में। और हमनी का आज पहुँचल बन जाए बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में, जहाँ रावण दहन कल जी और मेघवर्ण दहन कल जी रामलीला मंडली के द्वारा। और हमनी के जब पहुँचल बन जा राव सब के लाइव दिखाई जा हमनी के कि जौन रावण बनल बटे 45 फीट के रावण बनल बटे, साथ ही साथ मेघवर्ण बनल बड़े वो भी 40 फुट के बनल बड़े, जौन कि आज दहन कल जी रामलीला मंडली के द्वारा। रामलीला मंडली जौन कि हर साल ऐजा 35 साल से लगातार ऐजा रामलीला हो रहा बा। रामलीला मंडली के द्वारा लगातार रावण के वध कल जला। रावण वध देखे खातिर लोगन के काफ़ी श्रद्धालुओं के भीड़ होला। ऐजा बता दी कि हई किला मैदान है, अपना सहयोगी से बताई ये ऐतिहासिक किला मैदान है। जितना भी बैरिकेडिंग लागल बा पूरा ढका ढक भर रहा है, लोगन के इतना भीड़ रहा है कि लोगन के पाँव रखे के जगह ना मिलला। और 4 बजे के समय होला, 4 बजे रामलीला मंडली के द्वारा ये जौन रावण होला रावण के दहन कल जला, साथ ही साथ मेघवरण के भी दहन कल जला। तो ए बार रावण के हाथ में धनुष बाटे, वो अपना धनुष से अपन बाण छोड़ी, साथ ही साथ राम जी के द्वारा बाण छोड़ के एक के दहन कल जाय। राव सब के हमने के दिखाई जा शाम के पूरा लाइव दिखाई जा हमने के कि जौन भी एजा रावण बाटे रावण के बद कैसे होला। लोगन के देखे खातिर हमने के बता दी कि 4 बजे हमने के चैनल पे लोग जुड़ जी हैं ताकि वो रावण के बध होकर देखिए। और बता दी रहा सब कि हमने के जब बातचीत कर लीजिए रावण बनवाले बाद जितेंद्र शर्मा जी वहाँ से हमने के बातचीत भी कर लीजिए मिश्रवलिया के रहे वाला बनी वहाँ के लगातार 1 महीना से ये जौन बाटे रावण बाटे वो बनावत रही वहाँ के। बता दी कि वहाँ के रावण बनावे के कार्य ना करला, लेकिन दशहरा के 1 महीना पहले वहाँ के रावण बनावे के कार्य लिहिला। वहाँ के बनावे ये सब सीखल बानी दिल्ली से, दिल्ली रामलीला मंडली में वहाँ के साथे काम करते हैं ओजा वहाँ के ये सब सीखल बानी। और खैर वहाँ का काम धंधा जोन बाटे पैसा बाटे वो ऐसी बनावे के हटे, तो हमने वहाँ से बातचीत कर ली, वहाँ से पता कर जाइए कि ये जौन रावण बनल बटे रावण बनावे में कितना खर्चा आएल बटे, साथ ही साथ ये कितना फुट के बाटे और कब एक में का मटेरियल लागल बटे, सब हमने की जानकारी लिया जी जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी बताई भेजा, जितेंद्र जी तनिक से 2 मिनट हमने की समय दे दी, तो हमने के वहाँ से बातचीत कर ली, वहाँ के सब बताई हमने के कि का एक में लागल बा, कितना दिन से यहाँ के बनावत रही और कितना लागत लागल बा एक में। तो पहले तो जितेंद्र जी और बहुत बहुत भोजपुरिया समाचार में स्वागत बटे। रब हमारा के बताई रावण कम से कम 45 फीट के बा और मेघनाथ 40 फीट के बा। 40 फीट? हाँ जी। कितना दिन पहले से रवा कर कार्य ले रही करे? 1 महीना हमारा लागल बा कम्प्लीट करे में। 1 महीना लागल? बारिश डिस्टर्ब कैले बा बीच में हमने के, तो पर 1 महीना लागल हमारा तैयार करे में। जोन बारिश भैया, बारिश की वजह से काफी रहा सबके परेशानी झेले के पड़ल? बिल्कुल सर बिल्कुल, तब हमने कंप्लीट किले बन जाएगा। अच्छा ये हमने कंप्लीट किले बन जाएगा। अच्छा ये रावण बनावे के जोन कला बटे कहाँ ले सीखल रही? हम दिल्ली में सीखले रहनी, हमारा जो रामलेव कमेटी रहे वहीं में सीखले रहनी। हाँ जी, तब से हम ऐजा आके पहला बार ऐजा बनने रहनी 2018 में। मुख्य पैसा ए सी का काम हमारा, एयर कंडीशनिंग का। हाँ जी। अच्छा हमरा के ई बताई कि जोन रावण बने के और मेघनाथ बने के रावा के जोन ऑर्डर मिल रहा है इमे कितना लागत से बनल बटे? कम से कम 40,000 रुपये। 40,000 दोनों? हाँ जी। अच्छा का का मटेरियल लागल बटे इमे? कम से कम पटाखा हमारा छोड़ के बाँस से हमें लागल बा कम से कम 17 गो बाँस लागल बा, 70 मीटर धोती लागल बा इमे यानी मार्किन, 15 किलो पेपर लागल बा रद्दी, 7 किलो रंगीन पेपर लागल बा और 1 किलो तार और 3 किलो सुतली लागल बा, जैसे ही कम्प्लीट भइल बा। ये हमरा के बताएं कि रवा के कहाँ कहाँ के ऑर्डर मिलल रहा रावण और मेघनाथ बनावे का? मुझे रावण मिलल बा, मेरे पास था चौसा का, चुन्नी का, मिश्रौलिया का,
बारह का चार जगह के रवा के मिल बटे चारों जगह के बन गई कंप्लीट हो चुका है जा चुका है सब चलियो गेल बटे जल मैंने लगा देले बनी सब जहां रामलीला मंडली के द्वारा खेल जाता है। हां जी लगा देले बनी। ये बताइए कि कब ले रावण दहन हो जाए जा करीबन 5 बजे 6 बजे 4 बजे यहां पे होता है। कहे का मतलब बेटे कि रवा एक मुख्य पेशा ना आटे रवा ये सब सीखल रहे हैं। ये तो शौकीन से है। दिल्ली में रवा सीखल रहे हैं। हाँ जी दिल्ली कहाँ कितने दिन रवा ये पापा हमारे रेलवे में रहलन अब रिटायर हो गए बड़ा। अच्छा यही खाते हमने कहे जी आगल बन जाओ पापा रेलवे में रवा सब यूज रहते रहे। हाँ जी। अच्छा तो ये रामलीला मंडी रह रवा सब सीखल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और भी एजा मने बनल बाटे पुतला की है बस दो बनल बाटे एजा दुए को बा बाकी मिश्रोलिया में बा मिश्रोलिया में को एगो बा एगो चुन्नी में भी एगो बा बारे में एगो बा चौसा एगो बा। अच्छा सब जगह एक एक बाटे एजा दो बनल बाटे। ये ऑर्डर केकरा द्वारा मिले रहला ये रामलीला समिति द्वारा रामलीला समिति के द्वारा मिले रहला बैकुंठनाथ शर्मा जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। जितेंद्र जी से बात भैया वहाँ के बतौनी है कि चार जगह के उनका ऑर्डर मिलल बाटे चार जगह में चुन्नी बाटे बारे बाटे चौसा बाटे और बक्सर बाटे जौन कि बक्सर में दू गो बनल बाटे जौन कि 45 फुट के रावण बाटे और 40 फुट के मेघ बनल बाटे जौना के आज रामलीला मंडली के द्वारा दहन कल जाए जरा के देखे खातिर काफ़ी लोगन के भीड़ हुई। हमन के शुरू में ही बतौनी जा कि जौन किला के जौन बाउंड्री बाटे पूरा जौन लागल बाटे रवा के बता दी कि ब्रेकेटिंग लागल बा हमारे सहयोगी देखिए रवा के ब्रेकेटिंग जौन लागल बाटे ब्रेकेटिंग के अंदर पूरा ढकाढक भीड़ रही है। ब्रेकेटिंग जौन लागल बाटे ब्रेकेटिंग के अंदर पूरा ढकाढक भीड़ रही। हम बता दी कि ए बार जौन रावण बाटे रावण धनुष ले लेबा अपन सहयोगी से दिखाई कि दिखाई वहाँ के रावण धनुष ले लेबा और तीर ले लेबा ओकरा के नया लुक में आयल बाटे कि तीर और धनुष ले ले बाटे रावण अभी तक ले तीर धनुष ना ले रहा एमें तीर धनुष ले ले बाटे। साथ ही साथ हम अपना सहयोगी से कहब कि जौन रावण के मुंडी बाटे वहाँ के दिखाई जौन सामने से भैया रवा सभा जी वहाँ के दिखाई ई और कितना बढ़िया ई जाके अभी दृश्य तो बाटे देखी अभी रावण जब लाग रहा बा तो लोगन के हुजुम जुट गई बाटे सोची कि जब रावण मराई तब हुजुम कितना जुटी रवा के हमने अपना सहयोगी से कहब कि रावण के पूरा सीन दिखावस कि कैसन रावण बनल बाटे ऐजा आ देखे खातिर लोग शाम के तो अबे करे लेकिन अभी से लोगन के हुजुम जुट गई बाटे कि रावण मने मराए वाला बाटे एबरा दहन होखे वाला बाटे लोगन के एबरा उत्साह एगो बाटे कि रावण मराई तो हमने के देखल जाए रावण अभी बनत अटे लागत अटे तबे से लोगन के भीड़ इकट्ठा हो गई बाटे। साथ ही साथ अगर जिला प्रशासन के बात कल जाओ तो अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कल जाताटे मॉनिटरिंग कैला के बाद ऐजा लगातार लोगन के देखिए ईओ के गाड़ी अभी लागल भी सहयोगी से बताई कि देखिए ईओ के गाड़ी लागल भी नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम के गाड़ी लागल भी है जौन कि लगातार एक मॉनिटरिंग कर रहा बनी। साथ ही साथ प्रशासन हम अपना सहयोगी से बोलते प्रशासन के वहाँ हमें देखा जाए प्रशासन से हमें बातचीत कल जाए देखी SDM सर आ चुकल बनी जा अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र नाथ मिश्रा जी बनी वहाँ के पहुँच चुकल बनी और लगातार मॉनिटरिंग वहाँ के कर रहा बनी जाके जाके स्थिति का आधा जायजा ले रहा बनी लगातार हमने के सब दवा के वहाँ से बातचीत करा कि फिलहाल हमने के अभी जो वाला में का कितना पटाखा लागल बा कितना नहीं लागल तो वहाँ से हमने के बातचीत कल जाए वहाँ के हम बुलावत नहीं वहाँ के बुला के हमने के बातचीत कल जाए पूछ कर तो कहाँ बड़म लौकत नहीं खन चलो करो हमने के बातचीत कल जी जौन कि रावण बनल बाटे में पटाखा के जो निर्माण करौले बनी लगौले बनी वहाँ से हमने के बातचीत कल जी भैया रावत तो पहले मोहम्मद कैमुद्दीन अंसारी मोहम्मद कैमुद्दीन अंसारी यहाँ का नाम पड़े यहाँ से हमने के बातचीत कल जी ये बताएं कि जो 45 फीट के रावण बनल बा और 40 फीट के मेघ बनल बा जी कितना पटाखा लागल बाटे 100-100 गो फीट होइल बा 100-100 गो पटाखा लागल बा जी कितना देरी में ब्लास्ट करी 10-15 मिनट तक ले चली 10-15 मिनट। अच्छा मुंडी में कोगो लागल है मुंडी में यह 10 गो है मुंडी में 10 गो लागल है और पूरा शरीर में कितना मने तेजी में जो जलेला अब तो जितना तेजी में आप तो माने भिंगल सब पुआर वार वो हिसाब से जितना तेजी में पुआर जले वो रफ्तार में वो जली का लागत लागल बटे पूरा दोनों मिला के पुतला बनावे में तो राउर पटाखा खर्चा बन बटे कितना लागल बटे 30,000 रुपया में उजली का लागत लागल बटे पूरा दोनों मिला के पुतला बनावे में तो राउर पटाखा खर्चा बन बटे कितना लागल बटे 30,000 रुपया 30,000 रुपया लागल बटे। ये ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है ये ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है यहाँ बक्सर से बक्सर से हाँ रामलीला समिति वाले हाँ बैकुंठ हाँ जी
रामलीला समिति वाला यहाँ के ऑर्डर दिल रही और 30,000 लगभग खर्चा लागल बाटे, पटाखा दोनों में लागल बाटे। अगर मुंडी की बात कर जाए तो ओकरा में करीब करीब 10 पटाखा लागल बाटे जौन की 10 मिनट के अंदर में फूटी। ओकरा के रवा हमने कभी दिखाई जा शाम के 4 रवा सब हमने साथे जुड़ल रह। अच्छा और भी कुछ सवाल बाटे कि जिला प्रशासन लगातार कर रहा बा जी, अभी के क्या ही रहा है? अभी तो प्रशासन लोग आए रहे, अधिकारी लोग आए रहे, सब मैंने जांच पड़ताल पे करते हैं। हम यहाँ पे 25 करते हैं। 25 जी, ये पुतला बना के उसमें हाँ पुतला हाँ पटाखा हम सेट करते हैं। अब ये बताइए कहाँ कहाँ करावा का ऑर्डर मिला वाला? रांची के दो जगह रांची बा यहाँ बा रांची के को बना रहे हैं। रांची के दो पुतला, रांची के दो पुतला है, और मजवारी मजवारी बा मजवारी में। बहुत बहुत धन्यवाद राउत। यहाँ के मझवारी और रांची और बक्सर 3 जगह के पुतला बनौले बनी जौना में यहाँ के पटाखा लगौले बनी और ये पटाखा करीब 10-15 मिनट के अंदर फूटी। 10-15 मिनट लगातार जौन पुतला बटे पुतला में फूटत रही ताकि लोगन के भी देखे के समय मिल जाए। और बता दी रहा के कि अगर समय भी ना रही तो फिर कोनो फायदा नहीं है। अगर पटाखा फूटी तब चल रही तो देखत रहियन। तो फिलहाल हमने के प्रशासन से बात कर जी, प्रशासन का हमने के पहुँचत नहीं जा, प्रशासन से बातचीत करके हमने के राव साहब के सारा अपडेट देव जा। रोक दे जी सर, भजपुरिया समाचार में बहुत बहुत स्वागत बराबर। ये बताइए कि आज रावण बने निरीक्षण करे खाती रावण के दहन होके वाला बटे कौ फुट के रावण बनल बटे सर? 40 के मेघनाथ और 45 के रावण। 45 के रावण कब तक दहन हुई सर? जैसा आयोजक लोगों के कहना बा हमारा लगता कि 6 तक दहन हो जाए, 5:30 से 6 के बीच में। अच्छा अभी आप निरीक्षण के का कहे जा पहिने निरीक्षण करके दहन निरीक्षण में मेन हमने के देखे के रहे कि जे पब्लिक आई दूर दराज से दोसर गांव से दोसर जिला से भी लोग आवेला, लोग उत्तर प्रदेश से भी लोग आवेला, लोग तो जे लोग भी श्रद्धालु लोग आवेला, लोग उन लोग के कोनो तकलीफ ना होवे, उन लोग के सुविधा के सुरक्षा के विशेष इंतजाम कैल गेल बा। DSP साहब बाड़न साथे, पुलिस फोर्स के इंतजाम बा, टाउन थाना प्रभारी बाड़न एजा, ये लोग सब लोग देखत आ लोग। अगर वह देखत हो कि इन्हें फायर ब्रिगेड के गाड़ी, मेडिकल टीम, अभी थोड़ा देर में DMSP साहब लोग भी यही लोग, तो मैंने को केहू आदमी चाहे आयोजक हो चाहे श्रद्धालु हो केकरो कोनो तरह के दिक्कत ना होवे ये देखे खातिर हमने के आयल बानी जा। अभी तक के तैयारी एकदम संतोषजनक बा। अब देखे के बाद कि मौसम कैसा रहता, मौसम अगर ठीक रही तो बहुत बढ़िया से रामलीला हुई। रावण ट्रैफिक ट्रैफिक के इंतजाम कैल गेल बा, पहले ही से चला था दशहरा शुरू होने से पहले ही से, और बहुत बढ़िया परिणाम आयल बा, पब्लिक के भी बहुत सपोर्ट मिला था, ट्रैफिक के लेके कोनो दिक्कत ना। शहर में 4-व्हीलर के परिचालन बंद करेगा? हाँ, 3 के बाद से बंद हो जाए। भारी वाहन के परिचालन अब 12-1 से बंद हो जाए ताकि पैदल घूमे वाला के कोनो दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने के अब SDPO सर से भी बात कर ली, वहाँ के भी एजा मौजूद बानी, वहाँ से भी हमने के कुछ जानकारी लिया जी, वहाँ के भी कुछ बताई। सर पुलिस सर भोजपुरिया समाचार में बहुत बहुत स्वागत बाटे। ये बताइए कि पुलिस प्रशासन के क्या तैयारी बाटे रावण दहन में? यहाँ पर पुलिस प्रशासन का व्यवस्था किया गया है, सब डिप्टेशन किया गया है, सभी जगह पर फोर्स उपलब्ध रहेगा, और जहाँ ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए भी जगह जगह पर फोर्स का डिप्टेशन किया गया है। जोन ट्रैफिक व्यवस्था बाटे 3 के बाद जोन 4-व्हीलर बाटे पर परिचालन बंद करेगा? 4-व्हीलर 2-व्हीलर सब इधर बंद रहेगा, किला मैदान में जो बीरकुंवरसी चौक है और इधर धोबी घाट से इधर गाड़ी का परिचालन बंद रहेगा। भारी वाहनों का परिचालन कब तक बंद हो जाएगा? भारी वाहनों के 12 के बाद बंद हो जाएगा, आदेश निकला हुआ है उस अनुसार हो रहा है। हमने के सर से बात भी हमने के थाना प्रभारी सर एजे बानी, वहाँ से भी कुछ हमने के जानकारी लिया कि वहाँ के द्वारा का तैयारी एजा हो चुकल बाटे, वहाँ के भी हमने के दुलन बता देव। तो हमने के एजा के जौन किला मैदान बाटे ऊजा के तैयारी यहाँ के का कैले बनी का नहीं के बोलू सब हमने के जानकारी हो जाए। तो फिलहाल वहाँ से भी बात कर लिए सर, भोजपुरिया समाचार में बहुत बहुत स्वागत बाटे। हमारा की बता दी कि रावा तरफ से का तैयारी एजा हो चुकल बाटे किला मैदान पर? पूरे पुलिस फोर्स का व्यवस्था किया गया है, सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस का प्रतिनिधि किया गया है, और सभी जगह चौक चौराहा पर फोर्स को लगाया गया है ताकि किसी पब्लिक को आने में रावण वध का जो दहन होगी उसमें किसी को कोई समस्या नहीं हो। सारी व्यवस्था है, सादे लिबास में फोर्स लगाया गया, मजिस्ट्रेट सब लोग तैनात हैं।
सर लगातार हम देख रहे हैं कि आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को सजेशन दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? लोगों को गाइडलाइन इसलिए दिया जा रहा है किसी प्रकार जो भी पब्लिक आए उस पर को सुविधा ना हो और यहाँ पर हर सावधानीपूर्वक यहाँ पर पहुँच जाए सारे लोग। इससे सारे फोर्स को हम लोग लगाए हुए हैं, माइकिंग भी किया जा रहा है और जितने भी ठेला वाला सभी लोग को साइड में कराया जाए ताकि किसी भी पब्लिक को आने में दिक्कत ना हो। महिला लोग काफ़ी यहाँ भीड़ होने की संभावना है अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो, और बाकी तो बड़ी पढ़ाई बताए हैं, सब तैयारी चल रही है। धन्यवाद सर। तो अभी हमनी के थाना प्रभारी जो हमनी के टाउन थाना प्रभारी बने दिनेश मलाकार जी, वहाँ से भी बातचीत मिला, वहाँ कहे कि नहीं कि पूरा वहाँ के द्वारा व्यवस्था एजा कर दिल गई बा, पुलिस प्रशासन एजा मौजूद हो गए बाटे, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के भी तैनाती कर दिल गई बाटे। और साथ ही साथ वहाँ की एगो बात और कि नहीं कि लगातार शहर में मॉनिटरिंग कल जाता उनका द्वारा और माइकिंग के द्वारा मॉनिटरिंग कल जाता ताकि जो श्रद्धालु आए वाला बढ़न उन लोगों के कोनो प्रकार की दिक्कत ना होके, जना के लेके वहाँ के लगातार मॉनिटरिंग कर रहा बनी। तो फिलहाल हमने की जा किला मैदान में बनल बनी जा जहाँ के हमें देखते जा कि रावण जोन बाटे, रावण के अब लगावल जाता, सेट कल जाता हैजा रावण ऐजा लगी। और वोजा कुछ दूरी पर हम अपना सहयोगी से दिखाई कि कुछ दूरी पर हैजा मेघवरण के लगावल जाए जो कि शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर रावण दहन। अभी बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान पे जिला पदाधिकारी अमन समीर भी पहुंच चुकल बनी, लगातार वहाँ के भी जायजा ले रहा बनी, ऐजा के स्थिति के जायजा वहाँ के लेके यहाँ से बात कनी जौन जितेंद्र शर्मा बनी जौन की रावण के बनौले बनी, वहाँ से बातचीत वहाँ कनी, साथ ही साथ जौन में पटाखा उठाखा लगल बनी वहाँ से बातचीत बैल, ये भी बात बैल कि 40 फुट के जौन मेघवरण बा 45 फुट के रावण बाटे तो उ जब फाटी जब ब्लास्ट करी तब जाके 40 फीट के दूरी बाटे, अगर गलती से गिर भी जाता तो लोगन के हानि ना पहुँचे के चाहिए, ओकरा बारे में बातचीत भी बैलटे लगातार रहो। देख सकते नहीं कि एजा लोग अभी अपन लगावे खातिर रावण एकदम तैयार बने, साथ ही साथ हमारे जिला हमनी के जो जिला पदाधिकारी बनी वहाँ के भी एजा मौजूद बनी और लगातार जायजा ले रहा बनी जाके, साथ ही साथ लोगन के गाइडलाइंस अपन दे रहा बनी कि एजा का स्थिति रही और शाम के जो 5 बजे जो स्थिति रही ओकरा के लेके लगातार एजा जिला पदाधिकारी अमन समीर तथा DDC और अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा जी तथा SDPO गोरखराम जी, नगर थाना प्रभारी दिनेश मलाकार जी, CEO प्रियंका राय तथा EO प्रेम स्वरूपम जी पहुँच चुकल बानी, लगातार वहाँ के साथ मॉनिटरिंग हो रहा बटे रहा। देख सकत नहीं एजा अग्निशामक यंत्र के भी जो बानी पदाधिकारी बानी वहाँ सब ये जा पहुँचल बानी, तो वहाँ से हमने के बातचीत कल जी जिला पदाधिकारी जी से वहाँ से जानकारी लिहल जाए क्या जो निरीक्षण भैलटे, निरीक्षण में कौन चीज़ के लेके का बात भैलटे, का गाइडलाइन दिल गलटे तथा का निरीक्षण कल गलटे रहा के जो देखाई भाई जो ब्रेकेटिंग लागल बा ब्रेकेटिंग के भी निरीक्षण कल गलटे कि कोनो प्रकार के लोगन के खड़ा होके में या देखे में कोनो असल सहूलियत मिले ओकरा के लेके लगातार ये सब मॉनिटरिंग हो रहा बटे, लगातार जिला पदाधिकारी देखत नहीं हाथ में वहाँ के जौन गाइडलाइंस बटे लेके हम अपना सहयोगी से कहब दिखावे के वहाँ के गाइडलाइंस लेके वहाँ के लगातार चर्चा कर रहा बनी पदाधिकारियों के साथ, पदाधिकारी सब चर्चा करके बातचीत करतनी सब रवा कम दिखाई जा सब हमनी के साथ रवा सब जुड़ल रही लाइव जुड़ल रही। देखी वहाँ के हाथ में जौन बाटे वो जौन एजा के रूट बाटे जौन भी एजा के स्थिति जौन बाटे ओकर मैप बनावल गई बटे, किला मैदान में मैप बनावल बटे कि कहाँ से लोग रही हन और कहाँ लोग देखे खातिर खड़ा रही हन, कहाँ मीडिया कर्मी खड़ा रही, साथ ही साथ कहाँ रामलीला मंच के लोग खड़ा रही हन, वो लोग कहाँ से रावण के दहन करी हन, ओकर सारा व्यवस्था एजा देखावल जाटे। रवा के बता दी कि लगातार 35 साल से रामलीला मंच के द्वारा रावण के दहन होला और मेघवरण के भी दहन होला, जौन के लेके एजा लगातार जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरा तत्पर रहेला, जौन के लेके जिला पदाधिकारी जी आज एजा पहुँचल बनी और वहाँ से हमनी के बातचीत कल जी का एजा निरीक्षण भी बटे। फिलहाल खाती हमनी के रवा हमनी के चैनल के साथ जुड़ल रही, हमनी के लाइक करी सब्सक्राइब करी, हमनी के बातचीत रवा सबके करावत नहीं जा, वहाँ से बातचीत हुई वहाँ से हर बात के जानकारी लिहल जाए।